माइनस यू होगा यहाँ पे, डायरेक्शन क्या हो जाएगी माइनस यू, उससे नीचे आएगा
जितनी इनिशियल स्पीड से बॉडी ऊपर जाएगी उतनी ही इनिशियल स्पीड से बॉडी हमेशा नीचे आएगी, इस पॉइंट को याद रखना। तो जाने में टी लिया, आने में भी टी, तो टोटल टाइम कितना हो गया, टोटल टाइम 2t। तो टी की वैल्यू आप निकाल चुके हो, uig, तो कितना लगेगा, टाइम टेकन टू रीच द इनिशियल पोजिशन, टाइम टेकन टू रीच इनिशियल पोजिशन, इनिशियल पोजिशन कितना लेगा वो, 2t, तो 2u/g कितना लेगा वो टाइम, 2u/g। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए, क्वेश्चन समझ आ गया, बस ये साइन ऑफ कन्वेंशन से ध्यान रखो इस तरीके से इसको सॉल्व करो, जल्दी से नोट करिए। वन टू थ्री क्वेश्चन नोट हो गया, हो गया नोट। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद ए स्पीड, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड, विथ स्पीड 20 meter per second, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ स्पीड 20 meter per second फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर एंड रिटर्न बैक इन टाइम 6 seconds। Find the height of the tower. वो कह रहे एक टावर है ये, ठीक है, इसके ऊपर खड़े होके वर्टिकली अपवर्ड इस डायरेक्शन में फेंका गया किसी बॉल को, कितने स्पीड से, 20 meter per second की स्पीड से ऊपर की तरफ फेंक रहा, तो यू कैसा लोगे, पॉजिटिव, ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द टावर से फूक रहे, और वो 6 seconds में, मतलब इस जर्नी के लिए वो टाइम कितना ले रहा है, 6 seconds, इस जर्नी के लिए यहां से यहां तक वो टाइम कितना ले रहा है, 6 seconds, तो हाइट ऑफ द टावर बता। देखो डिस्प्लेसमेंट हमेशा उतनी होगी, शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट पाथ हमेशा क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, आपको यहां से यहां पहुंचना है तो आप सीधा ऐसे जाओ, आप यहां से घूम के ऐसे जाओ, ठीक है, तो क्या बनेगा, एस क्या होता है, यूटी प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर। देखो मेन पोजीशन से ये हाइट क्या है, नीचे, ये हाइट क्या आपकी नीचे, तो क्या ले लोगे, माइनस एच, ग्राउंड से क्या होगी ये नीचे लोगे, क्या लोगे, माइनस एच। यू इनिशियली क्या है आपके पास, कितनी स्पीड से फेंक रहा हो, 20 meter per second की स्पीड से, और 20 टाइम कितना, 6 seconds प्लस 1/2 जी, एक्सेलरेशन किधर लगेगा, माइनस नीचे की साइड में, माइनस का 10 into t का स्क्वायर, टी मतलब 36, तो ये बना माइनस एच बराबर ये 120 पर माइनस 5 into 36, इसको सोल्व करो तो आपके सब पास सोल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, सोल्व करेंगे तो कितना आया, माइनस एच बराबर 120 माइनस 5 into 30 और 5 × 3 = 15 और 3 = 18, 180, तो ये कितना आया, 60 माइनस का, तो एच कितना आ गया आपका, 60 meters, हाइट कितनी आ गई आपकी टावर की, 60 meters, जल्दी से नोट कर लीजिए, टावर की हाइट कितनी आ गई आपकी, 60 meters, समझ आया, साइन ऑफ कन्वेंशन कैसे भी समझ आ गया, देखो ग्राउंड से ये हाइट, इस टावर की हाइट होगी ना ये वाली, ठीक है, और इस पूरी जर्नी के लिए टाइम कितना ले रहा हो, 6 seconds, तो देखो शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट हमेशा वही रहेगी, तो हमेशा हमें शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट की बात कर लेंगे, क्योंकि डिस्टेंस वो इतना घूम के जाओ या ना जाओ, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट होती है, और डिस्प्लेस हमेशा क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, टाइम उसने 6 seconds दे रखा है, ठीक है, सिंपल आपको ये आपको निकाल लेना है, आप पुट करके जल्दी से नोट कर लीजिए, नोट हो गया। अगला एक और क्वेश्चन देखिए, हो गया, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते, देखो ए स्टोन इज ड्रॉप्ड
क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन कुछ ऐसा है आपका, स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए टावर ऑफ हाइट, स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए टावर ऑफ हाइट 40 मीटर, फ्रॉम ए टावर ऑफ हाइट 40 मीटर, फाइंड टाइम टेकन टू, क्वेश्चन है फाइंड टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, टू रीच ग्राउंड, टू रीच ग्राउंड, टाइम टेकन टू रीच ग्राउंड। बी पार्ट लिखिए, स्पीड जस्ट बिफोर हिटिंग ग्राउंड, स्पीड जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, हिटिंग ग्राउंड, हिटिंग ग्राउंड, ये तो आप क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बताइए क्या कह रहा है, फाइंड द टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड। देखो एक वो क्या कह रहा है, स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए टावर, ये है एक टॉप, ड्रॉप्ड का मतलब यहां से एक स्टोन को ड्रॉप्ड किया गया है यहां से नीचे की साइड, ठीक है। तो एस क्या होता है, ड्रॉप, जब ड्रॉप करता है तो इनिशियल वेलोसिटी हमेशा जीरो, जब ये ड्रॉप करता है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी आपकी, जीरो। यूटी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, हाइट ऑफ टावर कितनी है ये 40 मीटर, तो ये कितनी दे दी उसने 40 मीटर, हाइट ऑफ टावर कितनी, ग्राउंड से ऊपर है आपकी बार, यहां से ऊपर से यहां से नीचे फेंक रहे हो, ठीक है। तो हाइट ऑफ टावर कितनी ले लोगे ये 40 मीटर, ठीक है, और नीचे की डायरेक्शन में आ रही है, अब डिस्प्लेसमेंट किधर हो रही है उसकी, नीचे की डायरेक्शन है स्टोन की, तो क्या लोगे -40, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रही है नीचे की डायरेक्शन में, तो क्या लोगे -40, यू क्या है जीरो, तो 1/2, ए क्या होगा, ए मैंने हमेशा क्या कितना होगा -c, ठीक है, इंटू टी स्क्वायर, ठीक है, तो -40, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये 2 और ये जी टी स्क्वायर, जी की वैल्यू कितने ले लोगे 10, ठीक है, तो यहाँ 40 × 2/10 बराबर टी स्क्वायर, तो कितना आ गया ये टी स्क्वायर बराबर 8, तो टी की वैल्यू क्या देगी √8, क्या देगी 2√2, तो टाइम कितना लेगा वो 2√2 सेकेंड, इतना टाइम क्या करेगा वो लेगा, ठीक है। तो कह रहा सिंपल समझ आया, देखो मैंने कुछ नहीं कह रहा, सिर्फ यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लोगे, ए की वैल्यू मैंने हमेशा क्या बताई थी, क्या लोगे -c, टावर टावर की हाइट कितनी है 40, ठीक है, यानी ड्रॉप जब भी करेगा तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी उसकी, जीरो हो जाएगी, तो कितना टाइम लेगा वो 2√2 सेकेंड, ठीक है। सेकेंड पार्ट में पूछा स्पीड जस्ट हिटिंग द ग्राउंड, स्पीड जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, ग्राउंड को हिट करने से पहले स्पीड कितनी थी, तो स्पीड के लिए क्या लगाओगे सेकंड पार्ट के लिए, v क्या होता है u+at, तो इनिशियल वेलोसिटी तो क्या है जीरो ही है, ठीक है, तो v, a एक्सेलरेशन कितना है आपके पास 10, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा आपका 10, ठीक है, और टाइम कितना है आपके पास 2√2, तो v कितना आ जाएगा 20√2, अब डायरेक्शन किधर जा रहे, नीचे की डायरेक्शन, तो क्या आ जाएगा माइनस का जे के, क्योंकि वैसे भी एक्सेलरेशन मैंने क्या कहा था माइनस जी लोगे, एक्सेलरेशन वैसे मैंने क्या कहा था माइनस लोगे ना, माइनस लोगे तो क्या है माइनस, ठीक है, तो वी क्या है वैसे 20√2 एक्चुअल में माइनस जे के, तो डायरेक्शन किधर हो रही है नीचे की डायरेक्शन में, एक्चुअल में डायरेक्शन पूछे तो डायरेक्शन किधर हो रही है नीचे की डायरेक्शन में, समझ आ गया। तो देखो वैसे भी नीचे आ रहा है, देखो वाई डायरेक्शन में, तो मैंने कहा था ग्राउंड से नीचे है तो क्या ले लोगे, टावर नीचे के डायरेक्शन में आ रहा है तो नीचे वेलोसिटी नीचे आ रही थी, क्या होगी नेगेटिव ही आएगी, ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, जल्दी से नोट कर लीजिए, कर लिया नोट, जल्दी नोट करो। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम ए टावर ऑफ हाइट 20 मीटर एट ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, एक वो कह रहा है एक बॉल है, ठीक है, ए पार्ट देखते हैं पहले, ठीक है, इसकी हाइट कितनी दे रखी 20 मीटर,
वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्टेड करा गया बॉल को, ठीक है, फॉर द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल, मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट वो यहां तक जाएगा ना बॉल की, तो फाइनल वेलोसिटी बी क्या हो जाएगी यहाँ पे आपकी जीरो, फाइनल वेलोसिटी बी क्या हो जाएगी आपकी जीरो। फॉर्मूला क्या होता है, बी स्केयर माइनस यू स्केयर टू ए एस होता है, ठीक है, कितनी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर रहा है, यू वेलोसिटी कितनी है आपकी 5 मीटर पर सेकेंड, यू वेलोसिटी कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड, जीरो ये 5 का स्केयर बराबर 2a की वैल्यू कितनी लोगे माइनस जी बराबर -10, ठीक है, इनटू h, ठीक है, मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है वो आपसे, कितना आ गया माइनस का 25 माइनस का 20 इनटू h, कैंसिल, h बराबर 25/20, एच हाइट कितनी होगी 25/20, कितनी आ गया 5/4, 5/4 मतलब 1.25, ठीक है। अब मैक्सिमम हाइट, देखो ये हाइट तो ये आई ना h, यहां तक वो ऊपर पहुंचा, ठीक है, और 20 ये है मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम ये हाइट कितनी आई अब आपकी h 1.25, मैक्सिमम हाइट कितनी हो जाएगी 20 जमा 1.25 21.25, ये क्या आ जाएगी उसकी मैक्सिमम हाइट, ये क्या आ जाएगी उसकी मैक्सिमम हाइट। जल्दी से नोट करिए क्वेश्चन को, हो गया नोट, ए पार्ट नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नोट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नोट हो गया, पॉज करके नोट कर लो जल्दी से, ठीक है। अब अगला बी पार्ट देखिए, बी पार्ट देखिए, बी पार्ट में क्या पूछा है आपसे, टाइम टेकन इट पासेस थ्रू इट्स मेन पोजीशन, देखो ये मेन पोजीशन यहां से पास होगा तो कितना टाइम लेगा, देखो जितना टाइम वो ऊपर जाने में लेगा इतना टाइम है नीचे आने में लेगा, इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से यहाँ पे सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। देखो क्या बन जाएगा, जितना टाइम वो ऊपर जाने में लेगा उतना टाइम नीचे, तो मैं क्या करूँ ऊपर जाने का टाइम निकाल लूँ तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी आपकी जीरो, यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी आपकी जीरो, ठीक है। अब आपके पास वी क्या होता है यू प्लस एटी, वी क्या होता है आपके पास यू प्लस एटी, तो वी जीरो, यू कितनी है 5 माइनस जी टी, ठीक है, तो 5 इधर आ गया, जी की वैल्यू 10 इंटू टी, टी की वैल्यू 5/10 मतलब 0.5, मतलब ऊपर इतना जाने में, यहां से यहां तक जाने में टाइम कितना ले रहा है वो 0.5 सेकेंड, ठीक है, यहां से यहां तक जाने में टाइम 0.5 सेकेंड, यहां से यहां तक भी आने में कितना लेगा 0.5 सेकेंड, टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टाइम कितना हो जाएगा 0.5 प्लस 0.5 कितना लेगा 1 सेकेंड, तो मेन पोजीशन से क्रॉस होगा कितना टाइम लेगा वो 1 सेकेंड, ठीक है, टाइम व्हेन इट पासेस थ्रू द मेन पोजीशन कितना टाइम लेगा वो 1 सेकेंड, ठीक है, और ये हाइट कितनी आई थी 21.25 मीटर, ठीक है, When it passes through the main position, तो टाइम कितना लेगा 1 सेकेंड, देखो जितना टाइम वो ऊपर जाने में लेगा उतना टाइम वो आपका नीचे आने में लेगा। दूसरा आप ऐसे भी कर सकते हो कि देखो डिस्प्लेसमेंट यहाँ जितना ऊपर गया उतना ही नीचे गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी जीरो, देखो सेकेंड मेथड इसी क्वेश्चन का, सेकेंड मेथड डिस्प्लेसमेंट क्या होगी जीरो, तो एस क्या होता है यू टी प्लस हाफ ए टी का स्केयर, ये बना 5t, यू कितना है 5, ठीक है, माइनस 2, जी की वैल्यू 10 इंटू टी स्केयर कितना आ गया 0, 5t माइनस 5t का स्केयर, तो 5t स्केयर बराबर 5t, 1t से 1t चला गया 5 से 5, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई 1 सेकेंड, सीधी आ गई ना, ठीक है। तो यार ऐसे भी कर सकते थे, देखो जितना टाइम ऊपर पहले बता चुके ऊपर जाने में लेगा उतना टाइम नीचे में, तो ऊपर जाने में टाइम कितना लेगा 0.5 सेकंड, नीचे जाने में टाइम कितना लेगा 1 सेकंड, तो कितना आ 1 सेकंड की तो आया ना पहले भी, सेकंड मेथड मैंने कहा मेन पोजीशन, मेन पोजीशन मतलब वो सिर्फ यहां से क्रॉस करेगा, यहां से क्रॉस करेगा, ठीक है, तो
देखो ये डिस्टेंस कितनी है आपकी जीरो, डिस्प्लेसमेंट कितनी, 0.5, तो ये भी कितनी हो जाएगी 0.5, इसको फाइंड आउट कर लेंगे आप लोग, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो u 5 दे रखी है उसने, 5 से फेंक रहा है, इसको सॉल्व करो, जल्दी से नोट करो इसको। तो देखो नोट करो सेकंड पार्ट को, हो गया, ठीक है भाई, कर लिया, लिख लिया सबने, नोट कर लिया, 1 2 3 नोट हो गया सबका, हटा दो बेटा। अब देखो अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है आपसे, मैंने जो कन्वेंशन बताई उन्हें को फॉलो कर लेना। नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, फाइंड द स्पीड ऑफ द बॉल जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, स्पीड ऑफ द बॉल, देखो वो टावर से ऊपर ऐसे फेंक रहा है ना, ऐसे स्पीड ऑफ द बॉल जस्ट हिटिंग द ग्राउंड, जस्ट हिटिंग द ग्राउंड, देखो तो वी स्क्वायर, वी इज इक्वल टू, अगर मैं यू प्लस एटी लगाती हूँ, देखो मुझे ये टाइम चाहिए यहां से यहां तक आने का, तो टाइम नहीं पता मुझे यहां से यहां तक का, लेकिन मुझे ये पता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू एस होगा, मुझे यू इनिशियल स्पीड पता है, मुझे एक्सेलरेशन पता है, ठीक है, मुझे डिस्प्लेसमेंट भी पता है। डिस्प्लेसमेंट देखो याद रखना, ये डिस्टेंस हम हमेशा ये डिस्प्लेसमेंट ले लेंगे, ये वाली, जब भी वो इस पूरी डिस्टेंस की बात करेगा तो हम हमेशा ये वाली डिस्टेंस, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो यही रहेगी, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उस पोजिशन पे पहुंचने के लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, ठीक है, तो हम इस डिस्टेंस की बात कर लेंगे, हम जब भी वो क्या बात करेगा डिस्टेंस की, तो वहां पे हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की वहां पे हम बातें कर लेंगे। तो क्या बनेगा, वी स्केयर बराबर यू मतलब 25 का 5 का स्केयर प्लस 2a, a की वैल्यू कितनी है माइनस 10, और s भी कितना होगा माइनस 20, a भी माइनस का 10 होगा और s भी कितना होगा माइनस का 20, क्यों, क्योंकि देखो ये नीचे है ग्राउंड से, इस पोजीशन पे नीचे है, तो नीचे के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या लोगे नेगेटिव, नीचे के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या लोगे आप लोग नेगेटिव लोग, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए हम डिस्प्लेसमेंट यूज करेंगे। तो ये 25 प्लस कितना हो गया 220 और ये भी 20, 400 है, 425 आ गया, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 425 का अंडर, ठीक है। तो इतनी वेलोसिटी से वो क्या करेगा ग्राउंड के ऊपर पहुंचेगा, जल्दी से नोट करिए इसको, समझ आ गया ये क्वेश्चन सबको, नोट कर लिया, समझ, एक बार फिर से बता देती हूँ, देखो ये बॉल इधर से गया, ये u वेलोसिटी से ऊपर फेंका, तो u वेलोसिटी से ही क्या आएगा, ये आपका नीचे आ जाएगा, ये बात समझ आई थी, जितनी वेलोसिटी से ऊपर जाएगा उतनी वेलोसिटी से वो ऐसे इस पोजीशन पे, इस पोजीशन से अगर u वेलोसिटी से गया तो इस वेलोसिटी से b क्या आएगा, वो नीचे आएगा, जितनी वेलोसिटी से फेंकोगे उतनी ही मेन पोजीशन पे उतनी ही वेलोसिटी से नीचे आएगा, तो यहाँ पे वो u वेलोसिटी से ही नीचे आएगा। अब देखो, अब आपको ये बात समझा, u आपके हमेशा कितनी रहेगी, 5 रहेगी, एक्सेलरेशन माइनस 10, डिस्प्लेसमेंट देखो मीन पोजीशन से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो मीन वो गिरा यहाँ पे, ये वैल्यू उसके पूछ रहा है ना, तो ये मतलब ये यहाँ इस पॉइंट के लिए, तो मीन पोजीशन से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी है, ये मीन पोजीशन, एक तो ये डिस्टेंस पूरा यहाँ से घूम के ऐसे आए, और मीन पोजीशन से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी है, ये वाली 20, तो ये ले लो, और ये ग्राउंड से क्या है नीचे, तो क्या ले ली माइनस 20, तो मेन पोजीशन से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मेन पोजीशन से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी, ये लिख लो कि आपके आंसर आ जाए, ठीक है, जल्दी नोट कर लिए, हो गया। अगला देखो, नोट हो गया ना सबका, नेक्स्ट डी पार्ट देखिए, फाइंड टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, फाइंड टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, देखो वो ये पूछ रहा है कि जब वो यहां से यहां तक जाएगा तो ग्राउंड पर पहुंचने में वो कितना टाइम है लेगा। देखो एक तो तरीका ये है भाई कि यहां से पहले ये टाइम निकालो, फिर ये टाइम निकालो, जितना टाइम ऊपर जाने में उतना टाइम ये, फिर ये वाले हाइट से ये निकालो, ठीक है, एक सीधा ही निकालो, क्योंकि ये तो पता है ये जितनी डिस्प्लेसमेंट होती है, डिस्प्लेसमेंट तो जीरो होगी, ये डिस्प्लेसमेंट तो क्या होगी जीरो, तो यही डिस्प्लेसमेंट बची ना, जब वो यहां से आ रही है u बराबर 5
5 मीटर पर सेकंड से, क्योंकि जितना वो ऊपर गया उतना ही वो नीचे, तो ये वाली डिस्प्लेसमेंट तो नेट जीरो हो गई। तब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम मेन पोजीशन कितनी बची, 20 ही तो बची ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम मेन पोजीशन, तो एस कितनी बची, माइनस का 20। एस क्या होता है, यूटी प्लस हाफ एटी का स्केल। एस कितना आ गया, माइनस 20। क्या पूछा, टाइम, यू कितना, 5t, ठीक है, प्लस 1/2, ए की वैल्यू कितनी है, माइनस 10 इंटू टी स्केयर, माइनस 20, 5t माइनस का 5t स्केयर, काट दो 5 से, तो ये बना आपके पास माइनस का 4t माइनस टी स्केयर, माइनस कॉमन ले लो, तो ये 4t प्लस टी स्केयर, ठीक है, अरे माइनस कॉमन ले लिया ना, तो ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, ये माइनस और ये क्या हो जाएगा, प्लस, ये मैंने माइनस कॉमन ले लिया भाई, ये टेकिंग नेगेटिव कॉमन, टेकिंग नेगेटिव कॉमन, ठीक है, ये बचा टी स्केयर माइनस टी माइनस 4 बराबर 0, इसके रूट बना लो आपके आपके पास, क्या बनेगा, टी बराबर माइनस बी, तो ये बना आपके पास 1 प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac माइनस 4 इंटू 1 अंडर रूट डिवाइड बाई 2a, 1 प्लस माइनस 1 प्लस 4 हो जाएगा ये डिवाइड बाई 2, तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस रूट 5 बाई 2, तो t की दो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, तो इस टाइम पे वो क्या करेगा, ग्राउंड पे सोल्व करना है, अंडर रूट का रूट 5 निकाल के सोल्व करके लिख लेना आप लोग, ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए, नोट हो गया, हो गया नोट, 1 2 3, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से करने हैं, समझ आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एट ए स्पीड ऑफ, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद ए स्पीड, विद ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द स्पीड ऑफ बॉल 1 सेकेंड, फाइंड द स्पीड ऑफ बॉल 1 सेकेंड बिफोर रीचिंग द ग्राउंड, 1 सेकेंड बिफोर रीचिंग मैक्सिमम हाइट, बिफोर रीचिंग मैक्सिमम हाइट, बिफोर रीचिंग मैक्सिमम हाइट, पॉज करके नोट करो जल्दी से क्वेश्चन को, नोट करो जल्दी, पक्का पॉज करके नोट करो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग सा हाइट, जल्दी नोट करिए पॉज करके, जल्दी नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट करो क्वेश्चन को, नोट हो गया, क्वेश्चन है बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद ए स्पीड ऑफ 20 लिख लो, 30 लिख लो यार, 20 लिख लो, चलो 30 लिख लो, थोड़ा ज्यादा लिख लो, ठीक है, 30 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द स्पीड ऑफ बॉल 1 सेकेंड बिफोर रीचिंग द मैक्सिमम हाइट, बिफोर रीचिंग द मैक्सिमम हाइट, ठीक है, तो देखो मैक्सिमम 1 सेकंड पहले, देखो एक बॉल है उसको वर्टिकली अपवर्ड फेंका दे, तो मैक्सिमम हाइट वो यहाँ पहुंची, तो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने से 1 सेकंड पहले, मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने से 1 सेकंड पहले उसकी स्पीड कितनी वो बतानी है, ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, निकाल लेते हैं फाइंड द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द मैक्सिमम हाइट, ठीक है, पहले निकाल लेते हैं टाइम टेकन by the ball to reach maximum height तक जाने में बॉल ने कितना टाइम है लिया, मैक्सिमम हाइट तक जाने में कितना टाइम ले रही है वो,
आपके पास टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द मैक्सिमम हाइट, तो आपके पास v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस में 80, ठीक है, v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u प्लस में 80, तो रीच मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो v क्या हो जाएगा, 0, मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो u क्या हो जाएगा, 0, और u कितना है, 30 मीटर पर सेकंड, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, 30 प्लस a की वैल्यू माइनस 10 इंटू टी, टी कितना आ जाएगा आपके पास, ये इधर आएगा माइनस 30 बराबर माइनस 10 टी, तो ये 0 से 0 टी कितना आ गया, 3 सेकंड, टी कितना आ गया आपका, 3 सेकंड, ठीक है। अब आप क्या कह रहे हैं, फाइंड द स्पीड ऑफ द बॉल बिफोर 1 सेकंड, बिफोर 1 सेकंड, तो बिफोर 1 सेकंड, बिफोर देखो टोटल टाइम यहां से यहां तक का टाइम कितना है, 3 सेकंड, तो 1 सेकंड पहले, तो यहां तक का सर टाइम कितना हो जाएगा आपके पास, 3 माइनस 1 2 सेकंड, कितना हो जाएगा, 3 माइनस 2, तो 1 सेकंड से पहले अभी यहां तक का टाइम मिल गया आपको 2 सेकंड, यहां तक का क्या मिल गया आपको, ये टाइम 2 सेकंड मिल गया। अब वेलोसिटी निकालो, v इज इक्वल टू u प्लस 80, ठीक है, तो u कितना है अब आपके पास, 30, ये माइनस का 10, t कितना है, 2, कितना आ जाएगा, 30 माइनस 20, कितना आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड, ये मैंने 10 इसलिए चेंज कर दिया था वहां पे ताकि 1 में से घटेगा तो 0 ही आ जाएगा वहां पे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, समझ आ गया, क्लियर हो गया ये क्वेश्चन, तो कितना आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड, क्लियर, जल्दी नोट कर लीजिए, समझ आ गया क्वेश्चन। देखो पहले क्या करेंगे, मैक्सिमम हाइट तक जाने में उसने कितना टाइम लिया वो निकाल लेंगे, ठीक है, अब 1 सेकंड से पहले के लिए मैक्सिमम हाइट में से 1 सेकंड को घटा देंगे तो हमारे पास ये टाइम आ जाएगा, तो हमें यहां से यहां तक का टाइम पता है और हमें पता है कि इनिशियल स्पीड से कितने से फेंक रहा हो, 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंक रहा है, तो यू पता है हमें, यहां से यहां तक का टाइम पता है, एक्सेलरेशन जी पता ही है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, यहां तक पहुंचने में जब वो यहां पहुंचेगा तो उसकी स्पीड कितनी है, रेडी माय पॉइंट स्टूडेंट, जल्दी से नोट कर लीजिए, क्लियर बेटा सभी ने, जल्दी नोट कर लो सारे बच्चे, जल्दी नोट करो सारे बच्चे, नोट हो गया, हटा दो क्वेश्चन, 1 2 3 नोट हो गया सबका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अटेंड बाय द स्टोन,
attained by the stone. Maximum height attained by the stone. क्वेश्चन में ये तो जल्दी से पॉज करके एक बार क्वेश्चन को जरूर ट्राई करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ है नीट में क्वेश्चन ये. देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन था ये आपके पास, ये ए बैलून राइजेस अपवर्ड. ये क्वेश्चन था आपके पास, ट्राई कर लिया सभी ने? अरे ट्राई कर लिया ना ये क्वेश्चन सबने? अब आगे देखिए इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन. ए बैलून राइजेस अपवर्ड विद ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड. एक देखो एक बैलून आपके पास, ठीक है, वो ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है, किससे? 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से. व्हेन द बैलून इज एट द हाइट ऑफ 100 मीटर. बैलून कितनी हाइट पे है? 100 मीटर पे. बैलून इज एट द हाइट ऑफ 100 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड. फ्रॉम द ग्राउंड ए स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम इट. यहां से एक स्टोन गिराया गया इस बैलून से. इस बैलून से क्या गिराया गया? एक स्टोन गिराया गया, ठीक है, ये एक स्टोन है, ठीक है. तो यू वेलोसिटी कितनी है, मैं इधर लिख देती हूँ, 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है. और ग्राउंड से ये हाइट डिस्टेंस कितनी है? 100 मीटर. बैलून कितनी हाइट पे है? 100 मीटर की हाइट पे है आपके पास यहाँ से, ठीक है. अब आपके पास क्या कह रहा है? फाइंड द टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड. फाइंड द टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड. तो देखिए एस क्या होता है, एस कितनी होगी? एस तो आपके पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. एस तो कितनी आपकी? 100, ठीक है. आपके पास u कितना है? 10 मीटर पर सेकंड. एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? माइनस का जी. एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा आपका? माइनस का जी, ठीक है. अब उसने पूछा क्या है आपसे? टाइम टेकन बाय स्टोन टू रीच द ग्राउंड. देखो ये स्टोन नीचे आ रहा है ना, तो नीचे आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट कैसी होगी? नेगेटिव. अरे बात वही होगी ना, वो ऐसे रहा, कैसे नीचे आया? तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मैंने बताया था, मीन पोजीशन से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ले लोगे. मेन पोजीशन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या? 100. तो ये नीचे आ रहा तो कहने लोगे माइनस का नेगेटिव, ठीक है. अब लगा दो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्केयर. एस कितना है? माइनस 100. यू कितना है? 10. टी आपको निकालना है, प्लस 1/2 ए की वैल्यू माइनस 10 इंटू टी स्केयर. तो यह माइनस 100 10 टी और ये बचा आपका माइनस का 5 टी का स्केयर. 5 से काट दो करता है तो ये बचा माइनस का 20 2 टी माइनस का 5 टी स्केयर. माइनस कॉमन ले लो, 20 बराबर 2 टी प्लस 5 टी स्केयर. ना इसको ऐसे लिया, इधर लिया इसको, तो इधर लाओगे तो 5 टी स्केयर माइनस का 2 टी माइनस का 20 बराबर 0, ठीक है. तो ये इक्वेशन बन जाएगी आपके पास यहाँ से. इसको सोल्व कर लो, आगे क्या आता है? टी स्केयर 5 से तो काट दिया ना मैंने इसको, तो ये 5 नहीं हटेगा यहाँ से, ये बचेगा. टी स्केयर माइनस 2t माइनस 20. टी स्केयर माइनस 2t माइनस 20, इसको सोल्व कर लो तो क्या बनेगा? t इज इक्वल टू माइनस का बी, तो 2 प्लस माइनस बी स्केयर, 4 माइनस 4ac. ए ये रहा तो बी स्केयर, अरे ये होता है ना माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a. तो ये बना 2 प्लस माइनस बी का स्केयर मतलब 4 माइनस 4 ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 1 और ये माइनस का 20 अंडर रूट और ये 2a. तो 2 प्लस माइनस 4 और ये माइनस का 4, ये माइनस का कितना हो जाएगा? प्लस 80 डिवाइडेड बाय 2. ये बन गया 2 प्लस माइनस 84 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है. ये सोल्व कर लेना जो भी आपकी टी की वैल्यू आएगी आ जाए, ठीक है. तो आपके पास टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड ये आ जाएगा, जल्दी से नोट कर लीजिए. तो जैसे दो तीन ही ऑप्शन पूछ रहे हो, ग्राउंड पे जाने में कितना होगा मैक्सिमम हाइट के लिए, वी जीरो हो जाए ग्राउंड के लिए, डिस्प्लेसमेंट पता होना चाहिए, वेलोसिटी वो दे देता है आपको, फाइंड आउट कर लो, ठीक है. समझ आ गया, जल्दी नोट कर लीजिए क्वेश्चन को. नोट हो गया 1 2 3. ए पार्ट सोल्व हो गया अब आपका, अब बी पार्ट की तरफ बढ़ेंगे. अभी हम हो गया, अब बी पार्ट देखिए. बी पार्ट में क्या कह रहा है, जल्दी नोट कर लिया ये सबने. बी पार्ट देखिए अब आपका, बी पार्ट में क्या कह रहा है? मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द स्टोन. मैक्सिमम हाइट के लिए वी क्या हो जाएगा? 0. तो वी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा आपके पास? वी स्केयर
यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, तो वी तो क्या हो गया जीरो, यू कितना है टेन का स्केयर प्लस टू जी की वैल्यू माइनस टेन, और ये एस आपसे पूछ रहा है मैक्सिमम हाइट, तो इधर आएगा तो हंड्रेड माइनस ट्वेंटी एस, तो ये हंड्रेड इधर आ गया तो बराबर ट्वेंटी एस, तो ये किससे कैंसिल, तो एस बराबर कितना आ जाएगा फाइव मीटर। एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एस मतलब मैक्सिमम हाइट कितनी आ जाएगी ट्वेंटी, कितनी आएगी, अरे ये इसे काटेंगे ना फाइव, तो आएगा फाइव मीटर, कितना देगा फाइव मीटर। तो मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट कितनी आ जाएगी फाइव मीटर, कुछ भी नहीं था, मैक्सिमम हाइट में पहुंचेगा तो बी क्या हो जाएगी जीरो, ठीक है। अब आपके पास देखो ये मैक्सिमम ये आई है अभी इसको वन सेंटीमीटर, वो कह रहा मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द स्टोन, तो देखो स्टोन ने स्टोन ऊपर जाने में स्टोन यहां से ऊपर गया, देखो स्टोन जब जैसे बैलून ऊपर जा रहा है तो एक बार स्टोन ऊपर जाएगा एकदम डायरेक्ट नीचे नहीं आएगा, तो आप जैसे गाड़ी है गाड़ी चल रही है ऐसे, जिस तरह की सिचुएशन समझिए गाड़ी चल रही है, आप एकदम उतरते रेस्ट में थोड़ी ना आते हो तो तुम पीछे की साइड जाते हो, एकदम जाते हो ना जैसे गाड़ी चलते हुए गाड़ी में एकदम उतरते हो तो तुम किधर जाते हो पीछे की साइड, रेस्ट में तो नहीं आते ना एकदम, ऐसे जब स्टोन को गिराएंगे यहाँ से तो एकदम ऊपर जाएगा, थोड़ा सा कहाँ जाएगा वो ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा, तो वो कितना जाएगा वो मैक्सिमम हाइट कितनी अटेंड करेगा, तो वो हमें निकालना था, ठीक है। तो वो मैक्सिमम हाइट कितना होगी, तो आपके पास यहाँ से ये हाइट नहीं आई मैक्सिमम, मैक्सिमम हाइट आएगी आपकी, मैक्सिमम हाइट 100 प्लस 5 कितनी होगी 105 मीटर, ठीक है, कि मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द स्टोन, क्या पूछ रहा था मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द स्टोन, क्योंकि देखो बैलून भी तो ऊपर जा रहा है ना उस टाइम पे, बैलून ग्राउंड से कितने पे है 100 पे, और जब जैसे ही उस स्टोन को छोड़ेंगे तो ऊपर जाएगा थोड़ा सा, जैसे हम चलते हुए गाड़ी से नीचे उतरते हैं तो पीछे की सकते हैं, उसी तरह से वो बैलून कहाँ जाएगा नीचे की डायरेक्शन में, वहां पे वो क्या करेगा जाएगा वहां पे, ठीक है। ठीक है बेटा, देखिए एक बार बीच बीच में फोन आ जाते हैं बेटा, क्या करूं है ना, देखो समझ आया क्वेश्चन, तो देखो वो देखो समझ आया, जैसे स्टोन गिरेगा तो एकदम नीचे नहीं आएगा थोड़ा सा ऊपर उठेगा, जैसे हम चलते हुए गाड़ी से एकदम नीचे उतरते हैं जैसे बैलून तो ऊपर मुंह कर ही रहा ना, चलती गाड़ी से नीचे उतरते हैं पीछे खिसकते हैं इस तरीके से वो ऊपर खिसकेगा, तो कितना हाइट गेन कर रहा है बैलून स्टोन ने, तो स्टोन देखो ग्राउंड से तो 100 था ऊपर कितना गया 5 मीटर, फिर वो नीचे आया 5 मीटर वो ऊपर गया और फिर वो कहां आया आपका नीचे आया, ठीक है। तो वो 5 मीटर हमने निकाले v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर, u हमें दे u वेलोसिटी से तो कितना जा रहा है कितनी वेलोसिटी छोड़ा गया 5 से, ठीक है a 10 है ये हमने निकाल लिया कितना है 5, और ग्राउंड से कितना है वो 100, टोटल कितना हो 105 मीटर हो गया, जल्दी से नोट कर लीजिए बेटा, नोट कर लिया, हो गया नोट कर लिया, लास्ट पार्ट देख लीजिए, लास्ट पार्ट में क्या कह रहा है, हो गया ना नोट बेटा, वो कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द स्टोन एंड बैलून आफ्टर द 5 सेकंड, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द स्टोन एंड बैलून आफ्टर द 5 सेकंड, ठीक है। तो देखिए एस क्या होता है, टाइम कितना है 5 सेकंड, एस क्या होता है ut प्लस में हाफ at का स्केल, ठीक है। तो डिस्टेंस फ्रॉम बैलून, बैलून और उसके बीच, देखो बैलून भी तो ऊपर मूव कर रहा है ना 5 सेकंड के बाद, देखो बैलून तो ऊपर जा रहा है ऐसे देखिए एक बार समझिए, ये है बैलून, बैलून तो कहां जा रहा है ऊपर, और स्टोन बैलून तो ऊपर जा रहा है आपके पास, ठीक है, और स्टोन कहां आ रहा है नीचे, तो 5 सेकंड के बाद मान लिया स्टोन यहां पहुंच गया और बैलून यहां पहुंच गया, 5 सेकंड के बाद उन दोनों के बीच में डिस्टेंस होगी ना, तो पहले निकालते हैं डिस्टेंस ट्रेवल बाय द स्टोन, डिस्टेंस ट्रेवल बाय स्टोन, डिस्टेंस ट्रेवल बाय स्टोन, स्टोन के द्वारा कितनी डिस्टेंस ट्रेवल हुई, ठीक है बेटा। तो ये कितनी आ जाएगी आपके पास, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at का स्क्वायर, ठीक है। s u कितना आपका 5, 10, टाइम कितना है 5 सेकंड, टाइम कितना ले लोगे अगली बार 5 सेकंड, प्लस 1 बाय 2 a कितना बेटा आपका 10, t कितना आपका 5 सेकंड का 25, ये 5 ये 50 जमा 125, ये माइनस आएगा 10 ये माइनस का, तो 125 50 कितना हो गया, ये 125 में से 50 रहेंगे 75 बचेंगे ना,
75, S कितना है 75, तो स्टोन तो कितने डिस्टेंस पे 75, तो बैलून भी तो ऊपर जा रहा है ना, बैलून भी तो जा रहा है ना ऊपर, तो बैलून की वेलोसिटी कितनी है आपके पास 10, तो देखो बैलून डिस्टेंस ट्रेवल बाय बैलून, ये डिस्टेंस ट्रेवल बाय स्टोन थी, डिस्टेंस डिस्टेंस ट्रेवल, ये हटा दो मैं, ये लिख लिया ना सबने ऊपर से, ये ऊपर से हटा दो मैं, ये सारा ये लिख लिया होगा ना सभी ने, ये सब नोट कर लेना क्वेश्चन वगैरह सब, ठीक है, तो ये मैं हटा रही हूँ एक बार यहाँ से, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बैलून, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बैलून अपवर्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बैलून इन अपवर्ड डायरेक्शन, इन अपवर्ड डायरेक्शन कितनी होगी, डिस्टेंस क्या होती है वेलोसिटी इनटू टाइम, कितनी वेलोसिटी जा रहा हो, 10 इनटू 5 कितनी आ गया 50, तो बैलून कितना चला गया ऊपर 50 मीटर, बैलून कितना चला गया 50 मीटर, स्टोन कितना आ गया 75 मीटर 5 सेकंड में, स्टोन कितना आ गया 75 और बैलून कितना चला गया ऊपर, टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी उनके बीच की, टोटल डिस्टेंस बिटवीन बैलून एंड स्टोन क्या हो जाएगी 50 जमा 75 कितनी हो जाएगी 125, कितनी हो जाएगी 125, समझ आ गया, ठीक है नोट एक बार ध्यान देख देख लिख लीजिए, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय स्टोन, स्टोन नीचे आ रहा है तो टाइम कितना 5 सेकंड, तो ये 50 हो गया, ये माइनस, तो माइनस का ही बेटा ये माइनस का 75, ठीक है, अब देखो बैलून ऊपर की तरफ जा रहा है, बैलून कितनी डिस्टेंस करो जितनी वेलोसिटी इनटू टाइम कितना आ गया 50, अब इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 50 माइनस 75 हो जाएगी, ठीक है, तो ये कितनी आ जाएगी 75 में से 50 जाएंगे तो कितने हो जाएगा 25, माइनस का कितना जाएगा 25, तो बैलून ऊपर देखो 5 सेकंड के बाद बैलून तो कम ऊपर जाएगा और स्टोन ज्यादा नीचे आएगा, बैलून तो कम ऊपर जाएगा और स्टोन ज्यादा नीचे, इसी को 2 सेकंड के लिए करें तो इसी क्वेश्चन को अगर यहाँ पे ये नोट कर लीजिए, फिर 2 सेकंड के लिए कर लेते हैं एक बार, ये माइनस माइनस आ रहा है इसका मतलब डायरेक्शन उनके बीच की नीचे ज्यादा है, मतलब स्टोन नीचे ज्यादा आ रहा है बैलून ऊपर कम जा रहा है, अब अगर 2 सेकंड के लिए बात करूं तो एक बार ये नोट कर लिया, तो देखो 2 सेकंड के लिए कर लेते हैं एक बार, 2 सेकंड के लिए करूं तो मैं इसी क्वेश्चन के लिए इसको 2 रख दो, ये 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 20 माइनस 20, तो ये आया माइनस का 5, और बैलून के लिए कितना आएगा 10 इंटू 2 कितना आ जाएगा 20, तो देखो अब इस केस में थोड़ा चेंज हो जाएगा, मैंने दोनों के लिए करवा दिया, कितना भी हो उसके लिए पुट कर लो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अब कितना हो जाए टोटल डिस्टेंस बिटवीन बैलून आफ्टर टू सेकेंड डिस्टेंस बिटवीन बैलून एंड स्टोन कितनी हो जाएगी माइनस का 5 प्लस का 20 कितना आएगी 15 मीटर, फिर कितनी आ जाएगी 15 मीटर, देखो उसमें 5 सेकंड के बाद स्टोन ज्यादा मूव करेगा स्पीड से और बैलून थोड़ा सा ऊपर स्पीड कम होती चली जाएगी, बैलून जितना ऊपर बढ़ेगा बैलून स्पीड कम होगी इतना ही हो जाएगा, बाकी वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते हैं, ठीक है समझ आ गया, नोट कर लीजिए जल्दी से, नोट कर लिया जल्दी, नोट कर लिया जल्दी, नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, देखो बेटा एक इसमें लास्ट टाइप के क्वेश्चन मतलब ड्रॉप पे बेस्ड, एक छत से पानी टपक रहा है, चोहे गिरते हैं, एक टैप से पानी गिर रहा है, तो क्वेश्चंस की प्रॉब्लम्स को कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा है इफ ए वाटर ड्रॉप फॉलिंग एट द रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम फ्रॉम द सीलिंग द पोजिशन ऑफ ड्रॉप इज गिवन बाई फ्रॉम द सीलिंग ऑफ द ड्रॉप आर एन ड्रॉप, ठीक है, वो कह रहा है कि मान ले सीलिंग से कोई ड्रॉप गिर रही है छत से, जैसे चोहे गिरते हैं ना कई बार किसी की छत में पानी आता है, ठीक है, जैसे क्या बोलते हैं बारिश के मौसम में, तो कह रहा है छत से ऐसे चोहे गिर रहे हैं, ठीक है, ड्रॉप टप 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 नीचे गिर रहे हैं, तो वो कह रहा है तो सीलिंग ऑफ द ड्रॉप तो बताइए, वो कहता है कि मान ले आरएथ पोजीशन, मान ले 10वीं पूछे 12वीं पूछे कितनी क्वेश्चन पूछे, तो आरएथ पोजीशन की ऑफ द ड्रॉप बताइए कितनी होगी, ठीक है, तो एक क्वेश्चन में आप ये शॉर्टकट मेथड तो यूज कर सकते हैं, एन के टोटल नंबर ऑफ ड्रॉप, तो शॉर्टकट मेथड ये यूज कर लेंगे इस तरह के क्वेश्चन में, आरएथ ड्रॉप पोजीशन फॉर आरएथ ड्रॉप, ये क्या बता रहे हैं
पोजिशन फोर आर एथ ड्रॉप, पोजिशन फोर आर एथ ड्रॉप एच आर एन माइनस आर एन माइनस वन इंटू टू का। जैसे वो कहते हैं मान ले 10 20 ड्रॉप गिरी, कितनी ड्रॉप गिरी ये हाइट मान ले, वो कहते कि हाइट कितनी है 20 मीटर, हाइट कितनी है 20 मीटर, एच हाइट कितनी है 20 मीटर है, ठीक है। और यहाँ पे कोई ड्रॉप है मान लिया 5 फिफ्थ ड्रॉप है यहाँ पे, ठीक है, फिफ्थ ड्रॉप यहाँ से 6 मीटर की 4 मीटर की हाइट पे, फिफ्थ ड्रॉप कितनी हाइट पे है 4 मीटर की हाइट पे। तो आपसे पूछ रहा है पोजीशन ऑफ फिफ्थ ड्रॉप बताइए, तो पोजीशन ऑफ फिफ्थ ड्रॉप कितनी हो जाएगी एच फाइव, एन कितनी टोटल, टोटल नंबर ऑफ ड्रॉप कितनी है, टोटल ड्रॉप कितनी है मान लिया 20, टोटल ड्रॉप भी कितनी आपकी 20 है, टोटल ड्रॉप मान लिया मैंने आपकी 50 है, ठीक है। तो 50 माइनस 5 कितनी, कौन सी ड्रॉप की पूछ रहा है, पांचवी ड्रॉप की, ठीक है, डिवाइडेड बाय 50 माइनस 1 का स्क्वायर इंटू एच, एच टोटल हाइट कितनी 20 मीटर, एच टोटल हाइट कितनी आपकी 20 मीटर, इसको सोल्व कर लो, 45 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 49 का स्क्वायर इंटू 20, सोल्व कर लोगे तो ये पोजीशन आ जाएगी कि फिफ्थ बॉल जो ड्रॉप है वो इतनी पोजीशन पे है। तो ये फॉर्मूला याद रखना है इसके लिए, डायरेक्ट इससे सोल्व कर सकते हैं। अब एक जनरल भी सोल्व कर देती हूँ मैं इस तरह के क्वेश्चन में, पहले इसको ध्यान रखना, जल्दी से नोट करिए एक बार इसको, फिर ये सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो पोजिशन ऑफ ड्रॉप निकालने के लिए इस फॉर्मूले को यूज कर लेना, आगे ज्यादा चक्कर में मत पड़ना, सोल्व हो जाएंगी सारी प्रॉब्लम इससे, ठीक है। नोट कर लिया, ये नोट हो गया जल्दी, 1 2 3 नोट कर लिया ये। अब देखो क्वेश्चन देखिए, अब आगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कुछ ऐसा, अब क्वेश्चन देखिए आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, एक टैप ड्रॉप वाटर, एक टैप से एक टैप है आपके पास इस तरीके की, ठीक है, एक यहाँ पे इस तरीके की एक टैप है, ठीक है, ये एक टैप है, इसे पानी ड्रॉप जा रही है नीचे ऐसे, ये ड्रॉप आ रही है टप टप ड्रॉप, किसे घरों में निकलते रहते ना टैप से पानी टप 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 होता रहता है ना ऐसे, ठीक है, तो पानी निकल रहा है इस ड्रॉप से, मैं थोड़ा वाइड दे दिया दे देती हूँ ताकि समझ आ जाए, ठीक है। कह रहा है ड्रॉप्स एट 1 सेकेंड इन 1 सेकेंड इंटरवल, एक ही सेकेंड के इंटरवल में ड्रॉप गिर रही है, ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द थर्ड एंड फिफ्थ ड्रॉप, कोई सी भी ड्रॉप कह सकता है थर्ड एंड फिफ्थ, ठीक है। तो देखो ये 6th ड्रॉप है, व्हेन 6th ड्रॉप जस्ट कमिंग, तो देखो 6th ड्रॉप जस्ट इससे आ रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे 6th ड्रॉप है ये, तो यहाँ पे ये कौन सी ड्रॉप होगी, 5th ड्रॉप होगी, ठीक है, यहाँ पे ये 4th ड्रॉप होगी, यहाँ पे ये 3rd ड्रॉप होगी, फिर नीचे कौन सी होगी 2nd ड्रॉप होगी, उससे नीचे कौन सी होगी 1st, मुझे वहां की जरूरत नहीं, पर उसे सिर्फ 3rd और 5th के लिए बात करिए, किसके लिए बात करिए 3rd और 5th, इन सब में कितने का गैप है 1 सेकेंड का, कितने सेकंड के इंटरवल पे गिर रही है ये 1 सेकंड के इंटरवल पे, कितने सेकंड के इंटरवल पे गिर रही है ये 1 सेकंड के इंटरवल पे, मुझे सेकंड की जरूरत नहीं, 3rd तक की बात करनी है, ठीक है। तो आपके पास देखो यहां से यहां तक जब वो जाया बॉल, जब यहां से यहां तक आई 3rd, तो कितना सेकंड लिया इसने 3 सेकंड, ठीक है। तो मैं क्या निकालू, डिस्टेंस निकालने बिटवीन द 3rd एंड 5th, डिस्टेंस बिटवीन द 3rd एंड 5th क्या निकालूंगी मैं, H3 माइनस H5 मुझे फाइंड आउट। तो H3 के लिए निकालेंगे पहले, H3 के लिए टाइम कितना लेंगे 3 सेकंड, क्योंकि देखो उस बॉल को गिरे में कितना टाइम हो गया नीचे 3 सेकंड, ये क्या पता बता रहा है कि ड्रॉप को गिरे हुए नीचे टाइम कितना हो गया 3 सेकंड, कितने टाइम से नीचे आ चुकी वो 3 सेकंड, टाइम्स 3 सेकंड से क्या होगी वो नीचे होगी, ठीक है। यही कह सकते हो कि ड्रॉप जो है कितने सेकंड के लिए नीचे गिरी, ड्रॉप जो है कितने सेकंड के लिए नीचे गिरी, कितने सेकंड के लिए नीचे गिरी 3 सेकंड के लिए, ड्रॉप टेस्ट 3 में कितने सेकंड के लिए नीचे गिर चुकी वो 3 सेकंड के लिए। तो S इज इक्वल टू UT, S इज इक्वल टू UT प्लस ½ AT का स्क्वायर। तो S की जगह क्या लिख दोगे H3, ठीक है। इनिशियली बॉल की वेलोसिटी क्या है आपके पास, इनिशियली यहाँ पे 3rd बॉल की वेलोसिटी क्या लोगे आप लोग 0, इनिशियल वेलोसिटी क्या है आपकी 0, अरे इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी आपकी 0 हो जाएगी ना, 1/2,
जी जी कितना है? 10। टी की वैल्यू कितनी ले लोगे? अरे जी की वैल्यू कितनी ले लोगे? देखो नीचे आ रहा तो x3 नेगेटिव लेंगे, नीचे आ रही ना बोलता है x3 नेगेटिव, और जी भी नेगेटिव लोगे, माइनस का 10 इंटू टी स्केयर। ठीक है, टी कितना आपका 3, तो 9 हो जाएगा ये। तो ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो x3 कितना आ गया? ये 2 से 5, 45 मीटर। कितना आ गया? 45 मीटर। अब x5 निकालिए, h5, तो वो h5 कितना हो जाएगा? 1/2, जी की वैल्यू 10, h5 में टाइम की वैल्यू कितनी लोगे? 1 सेकेंड, क्योंकि h5 को गिरे हुए यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम हुआ? 1 सेकेंड। तो टाइम कितना लोगे? 1 सेकेंड इंटू 1 का स्केयर। ये माइनस माइनस प्लस, क्योंकि देखो नीचे है तो क्या ले रहे हो? माइनस, एच भी माइनस। कितना हो गया ये h5 आपका? 5 मीटर। तो आपके पास h3 माइनस h5 कितना हो गया? 45 माइनस 5 कितना आ जाएगा? 40 मीटर। उन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 40 मीटर। ठीक है, समझ आ गया। पोजीशन पूछे तो आप पोजीशन भी निकाल सकते हो। और इसका ये दो ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इस तरह से, ड्रॉप कितनी पोजीशन पे गिर रही है, क्या डिस्टेंस है, वो दोनों मैंने आपको बता दिए। बाकी देखो इसमें और भी क्वेश्चन आप करिए प्रैक्टिस, जो ना डाउट हो आप मुझसे पूछ लीजिए। जो भी मैंने कंसेप्ट बताया इससे बार कोई कंसेप्ट आपका नहीं आएगा। ओके बेटा, आज के लिए इतना। सभी को नोट्स बनाने हैं, और नोट्स बनाने के बाद कॉपी भी रिवाइज करनी है, अदरवाइज भूल जाओगे वीडियो से आपने जो पढ़ा उसको। जब तक आप खुद से रिवाइज नहीं करेंगे, जब तक आपको चीजें याद नहीं रह रहेंगी, तो को पहले वीडियो को सुनिए ध्यान से, फिर आप लोग कॉपी को रिवाइज कर अपनी बुक को भी साथ के साथ फॉलो करते रहिए। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही।